मियाँ मिट्टू, क्या कर रहे हो? मियाँ मिट्टू, बच्चों के झुंझुने से खेल रहे हो? ये आपके खेलने वाली चीजें हैं? देखें, इसके साथ इसकी मिट्टी भी आ गई है। पहले तो ये ऊपर बैठी हुई थी ना, फिर ये भी नीचे आ गई। मियाँ मिट्टू ने इसको खिलौना ही नहीं दिया खेलने के लिए, तो वो वापस से ऊपर जाकर ही बैठ गई। वो कह रही, मैं तो वहीं पर ही ठीक हूँ, ये तो मुझे खेलने ही नहीं देता है। मियाँ मिट्टू, क्या कर रहे हो? मियाँ मिट्टू, एक बार बोल के तो दिखाओ। मियाँ मिट्टू, पागल हो गए हो क्या? हैं, जिन आ गए हैं, जिन आ गए मियाँ मिट्टू में भी। लगता है इसको भी जुनैद बंगाली के पास लेकर जाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है, बच्चों की तरह ना इनको भी डराना पड़ता है। अगर हम इनको डराएंगे नहीं ना, तो फिर ये जो है ना, अपनी गलत हरकतें बंद नहीं करेंगे। जैसे हम छोटे होते हुए बच्चों को डराते हैं ना कि बाबा आएगा मांगने वाला, तो हम तुम्हें उसको दे देंगे, इसी तरह से इनको भी। तो हम लोग तो इनको जो जुनैद बंगाली से डराते हैं। छोटे होते हुए ना हमें भी ऐसे ही डराते थे। तो ना हमारे, जब हम थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद ना हमारे घर के पास एक फ़कीर आता था। वो यूँ बोलता था, 100 रुपए की बिक्री करा दो, अल्लाह तानू पुत देगा। तो ना हमने सोचा, उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन ना, हम दोनों तो सारा दिन बैठ के उसकी नकलें उतारते थे, हाथ आगे करके एक दूसरे के पास जाते थे, बोलते थे 100 रुपए की बिक्री करा दो, अल्लाह तानू पुत देगा। हो सकता है आप लोगों ने भी ऐसे फ़कीरों की नकलें उतारी हो, हमने तो बहुत उतारी हैं, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए बस अब इनको डराना पड़ता है, ठीक है ना? तो आप लोगों ने इनको डरा मतलब ऐसे बोलना है कि वो आ जाएगा या बाबे को दे देंगे, ठीक है ना? तो ये डरेंगे। हाँ, अगर नहीं डरे तो कोई बात नहीं, बाबों का बाबा जुनैद बंगाली बाबा, आप जाओ उसके पास लेकर जाना इनको, ठीक है ना? फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम सेट होके भेजता वो, एकदम सेट, आपका बच्चा बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, मैं चलती हूँ, बाय बाय।